दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा कुछ नए अंदाज में कुछ ऐसी खबर ला करके थोड़ा सा पॉलिटिक्स से अलग हटके थोड़ा सा टूरिस्ट टाइप चीजें लेकर के आया हूँ आपके बीच में। और दोस्तों इसलिए भी लेकर के आया हूँ क्योंकि कल आपने सुना होगा बयान हमारी निर्मला सीतारमन जी का। सीतारमन जी ने कई देशों को फ्री वीजा देने की बात की है, लेकिन इस वक्त जो है काफी देशों ने हिंदुस्तान के लोगों के आने पर रोक लगाई हुई है। लेकिन वो देश कौन से हैं जिन देशों ने अपने यहाँ वीजा खुला रखा है, हिंदुस्तानियों के लिए दिल बड़ा रखा हुआ है, जहां आप जा सकते हैं? जी हाँ, कोरोना टेस्ट कराइए, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कराइए और आप जा सकते हैं इन डेस्टिनेशंस पर अपनी छुट्टियां काटने के लिए। सवाल तो आपके दिल में बहुत होगा, तो अभी सवाल की हम मतलब जो गुत्थी है उसको सुलझाने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ 9 ऐसे देश हैं जिन्होंने हिंदुस्तानियों को वीजा देने का ऐलान किया, लेकिन साफ फ्री नहीं किया है, पैसे लेंगे। जी हाँ, पहले नंबर पर आ रहा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की वीजा फीस है 2040 मतलब 2301 रुपए के आसपास ये पैसे आपके लगेंगे। प्रोसेसिंग टाइम है 7 दिन का और दिल्ली में 5 दिन का, और फ्लाइट के जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपए साउथ अफ्रीका जाने के आपके लगेंगे। अब दूसरा देश आता है टर्की। जी हाँ, टर्की भी आप जा सकते हैं। वैक्सीनेशन पासपोर्ट की इसको जरूरत पड़ेगी। 4021 का प्रीमियम लॉन्ज वीजा मिलेगा आपको, नहीं वीजा मिलेगा सिंपल वाला 4200 रुपए का, और प्रीमियम चाहते हैं तो 6195। इसके लिए कॉल कर सकते हैं 0226786-6029। जी हाँ, और शेड्यूल कर सकते हैं अपनी फ्लाइट को टर्की में जाने के लिए जितना किराया लगेगा उतना किराया लगेगा गूगल करके देख लीजिएगा। अब तीसरा डेस्टिनेशन देश है केनिया। केनिया भी आप जा सकते हैं, उसने भी हिंदुस्तानियों के लिए दिल खोल रखा है। उन्होंने फीस रखी है अपनी $51 यानी कि 3,500 रुपए के आसपास, और मल्टीपल एंट्री के लिए 101 यानी कि 7,000 रुपए। तो भैया कार्ड हैंडलिंग चार्ज है और रिटर्न टिकट, ट्रेवल, इंटीरियरिटी मतलब रुकना वुकना होटल का, वो आपकी जिम्मेदारी है साहब। लेकिन यहाँ जो है केनिया जाकर के आप शेरों की सफारी भी घूम सकते हैं, शेरों के साथ थोड़ा सा कुश्ती बुश्ती और फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं अगर आपको शौक है तो। हम मॉरीशस जा सकते हैं, चौथा देश है मॉरीशस। जी हाँ, मॉरीशस जो है July 15 से खुल जाएगा, और इसके लिए आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा, पासपोर्ट प्रूफ और कोरोना वैक्सीनेशन का प्रूफ आपको यहाँ देना होगा, और ट्रेवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस आपको वहाँ पर दिखाना होगा। काफ़ी चीज़ें हैं, इसको आप देख सकते हैं, मैं यहाँ डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ मॉरीशस में जाकर के नीले समुंदर के बीच उन मछलियों के साथ स्कूबा ड्राइविंग कर सकते हैं, जिसके लिए काफी मशहूर है हमारे टूरिस्ट लोग। पांचवा जो है डेस्टिनेशन है जाम्बिया। जाम्बिया के रजिस्टर करने के लिए उसकी साइट पर जाइए, साइट भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। ऑर्डिनरी विजिटर्स को यहाँ पर 90 दिन का वीजा तक मिलेगा, 12 मंथ फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट एंट्री इनटू जाम्बिया, 30 डेज विजिट पीरियड ऑफ 12 मंथ, $50 आपको खर्च करने पड़ेंगे यानी कि 3,500 रुपए से लेकर के 8,500 रुपए तक, और मल्टीपल एंट्री $150 यानी कि करीब 10-11,000 रुपए के आसपास। तो जिवामे में जाइए, जिवामे में झरनों का आनंद लीजिए, वन का आनंद लीजिए, प्लेन्स का आनंद लीजिए, ड्राइव कीजिए जम करके और आनंद कीजिए। और छठा देश है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में आपको टोटल जो है 480 SAR लगेंगे, तो मतलब ये लगा लीजिए कि 9-10,000 रुपए के आसपास का खर्चा है वीजा मिलने के लिए। और यहाँ पर आप जो है आनंद ले सकते हैं जगमगाती इमारतों का, सड़कों का, अच्छे खाने का। और सातवां देश आता है यूक्रेन। जी हाँ, यूक्रेन, यहाँ पर ई वीजा आपको मिलेगा www.visaukraine.com। जी हाँ, यहाँ भी आप जा सकते हैं, उक्रेन के मजे ले सकते हैं, वहाँ के मॉल्स के मजे ले सकते हैं, आर्मेनिया जा सकते हैं,
आठवां देश आर्मेनिया है, जिसने पूरे रास्ते खोल दिए हैं, अपने दरवाजे दिल के खोल दिए हैं। यहाँ 21 दिन के स्टे के लिए $6 आपको खर्च करने पड़ेंगे। $6 मतलब 320 रुपये या 420 समथिंग, 300 से 400 रुपये के, और $31 स्टे अगर 120 दिन का है तो वो वहाँ उस पर डिपेंड करता है। और 1 ईयर वैलिडिटी के लगते हैं $82, मतलब वहाँ अगर आपको एक साल तक रुकना है तो $82 आपको खर्च करने होंगे। $42 का मतलब हुआ 7000 रुपये के आसपास या उससे थोड़ा सा कम, 6000 रुपये मान लीजिए। और इसकी प्रोसेसिंग 3 वर्किंग डेज में आपके पास हो जाएगी। पिरामिड्स की सैर कीजिए यहाँ पर आर्मेनिया में, और आर्मेनिया के मजे लीजिए। तंजानिया है नौवां देश जो आपको आने की इजाज़त देता है। सिंगल एंट्री जो है $50 की है, मतलब 3500 रुपये खर्च होंगे, और मल्टीपल एंट्री $100 की है। बिजनेस वीजा सिंगल एंट्री जो है $250 का मिलेगा, और नेक्स्ट डे सर्विस इन एक्स्ट्रा ₹50 एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, मतलब $50 एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, 3500 रुपये। 90 दिन का प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका जो है 5 वर्किंग डेज है। आनंद लीजिए बर्फीली पहाड़ियों का। USA में स्टूडेंट वीजा रिमेन टू टॉप प्रायोरिटी US मिशन टू इंडिया, बस स्टूडेंट्स को मिल रहा है यहाँ पर इमिग्रेशन वगैरह, और बाकी कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तो आप जा सकते हैं नॉन डेस्टिनेशन पर, और स्टूडेंट वीज़ा आपको कुछ स्पेशल परिस्थितियों में USA का भी मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप जाने को तैयार हैं तो 9 देशों में जाइए जहाँ दिल खोल करके आपके स्वागत के लिए बैठे, लेकिन फ्री नहीं बैठे, सब ने फीस लगा रखी है। निर्मला सीतारमण का दिल बड़ा है, वित्त मंत्री जी का हमारे, उन्होंने सबको फ्री आने की गारंटी दे दी है। अब शर्तें क्या लगाई हैं क्या नहीं लगाई हैं कह नहीं सकते, लेकिन आपको कहीं घूमना है तो इन 9 देशों में से एक देश को चुन सकते हैं दोस्तों। मेरे अब डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इनकी डिटेल्स, इनकी साइट्स मिल जाएंगी, कीजिए जाइए और वहां से अपने पिक मुझे भेजना जरूर, और भेजना मत भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये वो 9 देश हैं जिनमें जाने के लिए आपको केवल वीज़ा की ज़रूरत होगी, और वीज़ा भी थोड़ा सा पैसे देकर के आप पा सकते हैं। हिंदुस्तानी खाना आपको वहाँ बहुत खूबसूरत और लजीज मिलेगा, हिंदुस्तान के लोग भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, गाइड्स भी मिल जाएंगे सस्ते, और वहाँ पर आप घूम सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे आश्चर्य हैं। 9 देशों में घूमिए जिन 9 देशों ने अपने दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। तो आपका विचार क्या है, डिस्क्रिप्शन यहाँ डाला हुआ है, उसको देखना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरी चीज़ें हैं आपके वीज़ा फीस से लेकर के कितने दिन आपको वहाँ रुकना है, कितने दिन का वीज़ा आपको कितने पैसों में मिलेगा, और कितनी वैलिडिटी आपको है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या ले जाना है, इंश्योरेंस, कुछ देशों ने इंश्योरेंस मांगा है आपका, कुछ ने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मांगी है, तो सबके डिस्क्रिप्शंस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो वो जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा अगर आपके घूमने का प्रोग्राम है। वैसे तो कोविड काल में कोई जाने को तैयार नहीं होगा, डेल्टा वायरस की डर से सब जो हैं आतंकित हैं। वही जाएंगे भैया पैसे वाले लोग जिन्हें घूमने का शौक है, हम जैसे लोग तो सपना भी नहीं देख सकते। आम आदमी तो अगर कफन ही मिल जाए मोदी सरकार में तो काफ़ी है, खैर वो भी नहीं मिलने वाला। तो जिनके पास पैसा है वो घूम सकते हैं, तो उनको मेरी तरफ से बधाई, एक्स्ट्रा बधाई कि वो घूमें और देश का नाम रोशन करें, खूब सारे देश के पैसे वहाँ खर्च करके आएँ, भले ही किसी गरीब को या कोरोना पीड़ित को खाना ना खिलाएं। लेकिन अंत में मेरा ये कहना होगा कि अगर जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन जितने पैसे आप वहाँ फूंक करके आने वाले हैं उतने पैसे किसी गरीब की भलाई में, किसी बेरोजगारी की भलाई में, किसी बेरोजगार की भलाई में, देश में खर्च कीजिए।